ध्यान में रखते हुए जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है मेरा सेकंड टॉपिक है आज, उसमें प्रस्तावना। तो हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। तो जो मैंने कि आपको प्रीवियस जो वीडियो में जो है बताया था कि जो 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक थी, तो उस समय आपके जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो मुझे आप जो है उस जो प्रस्ताव पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा, उसकी जो तारीख क्या थी वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप जो हमारा वीडियो कितने जो है ध्यान से देख रहे हैं। तो मैंने जो आपको उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कल भी बताया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वो आपके प्रस्तावना के रूप में ही हमारे सामने बनकर तैयार हुआ था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव हमें बाद में जो प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट हुआ था, ये आपके कल भी मैंने बताया था, जैसा कि जो हमारे आपके जो संविधान जो है वो 1949 जो है 26 नवंबर 1949 को आपकी संविधान सभा ने अंगीकार किया था। तो इस दिन जो है आपके कुछ जो है उपबंध लागू हुए थे संविधान के, और जब 1950 था उस दिन आपके संविधान जब लागू हुआ था, तो उसमें भी जो है पूर्णतः जो है लागू हुए थे, उसमें जो हमें संविधान की प्रस्तावना भी मिली थी। तो इसकी अगर जब हम बात करते हैं, तो प्रस्तावना में उस समय जो है जो मूल प्रस्तावना थी उसमें आपको कुछ कीवर्ड जो है नहीं थे, इससे संबंधित जब आपके कुछ विवादित मामले थे, जिसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो आपके जो प्रस्तावना थी ये एक आपके संविधान का भाग है या नहीं है, इस पर जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ निर्णय दिए हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जो है एक मामला आता है 1960 में, बेरुवाड़ी जो संघ मामला था वो 1960 में आया था। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय देते हुए ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का जो है अंग नहीं है या उसका कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए जो संसद है वो अपनी जो है शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। अगर आपको ध्यान हो तो जो संसद है वो आर्टिकल जो संविधान के आर्टिकल 368 का जो है यूज़ करते हुए किसी भी जो विधेयक या संशोधन है वो कर सकती है, ये संसद को शक्ति है। परंतु जब आपके बेरुवाड़ी जो संघ मामला था 1960 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये निर्णय दिया कि जो आपकी संसद है वो आपकी जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद जब सेकेंड मामला आता है, तो उसमें आपके सेकंड मामला आता है केशवानंद भारती संघ मामला, यह आया था आपके 1973 को। ये मामला जब आपके सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है निर्णय सुनाया और उन्होंने ये बताया कि जो आपके प्रस्तावना है उसको आप जो संविधान का जो है भाग उन्होंने स्वीकारा, और ये कहा कि जो अगर प्रस्तावना है उसका भाग है संविधान का, तो जो संसद है वो अपनी जो है शक्ति का यूज़ करते हुए जो है आपकी प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो इसी का जो है प्रयोग करते हुए आपकी जो संसद है भारत की, उसने आपके 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन था वो किया। तो आपकी जो संसद थी उसने आपके 1976 में इसका जो प्रयोग करते हुए आपके जो संशोधन किया, 42वां संशोधन था। अभी आप देखोगे जो लास्ट प्रीव्यू हुआ था उसमें भी एक संशोधन पूछा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से संशोधन था। तो इस प्रकार आप हर एक चीज़ का जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक सुने और उसको नोट डाउन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो आपके 1976 में जब इसका प्रयोग किया गया, तो इसमें तीन वर्डों को जोड़ा गया। आपके पहला वर्ड था समाजवादी, दूसरा आपके सेकंड पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो है इसमें अखंडता, क्योंकि जो आपकी मूल प्रस्तावना थी उसमें ये तीन वर्ड जो है नहीं थे।
तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो है बारी बारी से क्या क्या, मतलब अपनी जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की वो क्या कहती है, क्या उसमें वर्णित है, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि जो बोर्ड पे मैंने जो है पूरी प्रस्तावना को लिख रखा है, तो मैं आपको एक बार आपके लिए पढ़ के सुना देता हूँ कि हमारी प्रस्तावना में क्या वर्णित है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो जब आप अगर किसी की भी तैयारी करते हैं, तो हम आप अगर एक नागरिक हैं भारतीय के, तो आपको प्रस्तावना के बारे में पता होना चाहिए और उसमें क्या वर्णित है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप एक प्रतियोगी जो है वो है प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है इसमें क्या कहा गया है वो अच्छी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी व्यापम या SSC के एग्ज़ाम में भी कुछ कीवर्ड आते हैं कि जैसे आपके आपके जो ये हैं राजनीतिक, आर्थिक न्याय जो है किससे लिया गया है, कौन से संविधान जो किस देश के वहाँ से लिया गया है। तो इस प्रकार आप अगर आप मेंस में भी देखोगे, तो जब कभी अगर अभी तो नहीं आया है, पर अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि 6 नंबर में कि आपको भारतीय की जो प्रस्तावना भारतीय संविधान की वो लिखिए, तो आपको एज इट इज़ इसको ऐसे कैसे ही कॉपी पेस्ट करना होगा ताकि वो जो है आपको नंबर दे पाए। तो हमें जो है पूरी प्रस्तावना भी याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तो इसमें जो है इतने जो बड़े जो है आपके कीवर्ड दिए हैं, तो उस पे आते हैं, क्योंकि हमें जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी जो है वर्डों का जो है मीनिंग भी याद होना चाहिए, क्या कहता है क्या नहीं, सबके बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रस्तावना में जो है आप क्या आता है कि इस जो है प्रस्तावना में कीवर्ड लिखा है सबसे पहले कि हम भारत के लोग। तो आपको याद है मैंने कल बताया था कि जैसे कि संविधान सभा ने ही जो है पूरा इसका जो संविधान का निर्माण किया था और 26 नवंबर 1949 को मतलब सौंपा था, स्वयं को अंगीकार किया था। तो फिर यहाँ पर जो लिखा है वो कि हम भारत के लोग, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा संविधान है वो किसी व्यक्ति विशेष ने जो है नहीं बनाया है, या जो आपके संविधान की जो है शक्ति वो जनता के ही मतलब द्वारा जो है मिलती है। जो संविधान है वो भारत के जो लोगों द्वारा ही मतलब निर्मित किया गया है, ये बात इसके कीवर्ड के तहत आती है। तो हमें जो है हर एक कीवर्ड पे जो है अच्छे से फोकस करना है और मेरी बातों को जो है अच्छे ध्यानपूर्वक सुनना है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड जो है कीवर्ड आता है इसमें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें लिखा है कि आपके इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। इसको आप कह सकते हो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और एक आता है संप्रभुता वर्ड आता है। तो इन दोनों ही कीवर्ड का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत की जो संसद है अगर वो कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश में लागू होता है। तो जब आपकी संसद जो है वो कानून बनाती है वो तो पूरे देश में लागू होगा, परंतु अगर कोई अन्य देश जो है कानून बनाए भारत पर तो वो इस पर लागू नहीं होगा। यानी कि जो संसद की जो संप्रभुता है वो बरकरार रहेगी, यानी कि बाहर का कोई अगर जो देश है या जो अन्य देश होते हैं वो कभी भी भारत पर जो अपने कानून नहीं थोप सकते, संसद ही सर्वोपरि है, उसकी संप्रभुता ही सर्वोच्च है। ये यहाँ पर ये कीवर्ड इस बारे में बताया गया है। और अगर आप देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ ये आज प्रस्तावना का, तो ये पूरे जो संविधान का जो है एक छोटा सा मतलब आपके संविधान की जो मूल भावना है उसको व्यक्त करने में भी काम आता है, क्योंकि सभी जो है वर्डों का जो है अपना अपना एक मतलब है और पूरे संविधान का एक सार भी है। तो हम देख चुके हैं दो वर्ड, उसके बाद आपके आता है तीसरा वर्ड आता है समाजवादी। ये जो है वर्ड आप मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये आपके जो 42वां जो संशोधन था आपके 1976 का,
उसके तहत ही जोड़ा गया था, तो ये पहले नहीं था। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जैसा कि ये आपको आता है कि इसमें लिखा है, आपको इसके लिए आपको दो जो है चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम इकोनॉमी की दृष्टि से भी पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार की जो है विचारधारा आती है, एक आती है पूंजीपति और दूसरी आती है समाजवादी। तो ये पूंजीपति क्या होता है कि जब हम आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें जो है आपके दो तरह की विचारधारा आती है। जो पूंजीपति की विचारधारा है ये आपके अमेरिका के जो एडम स्मिथ हैं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और ये जो आपके समाजवादी विचारधारा है ये कार्ल मार्क्स जो है आपके उनके विचारों पर आधारित है। इन दोनों का जो है आपके इन्होंने किया था, मतलब इन विचारधाराओं का प्रतिपादन किया था। तो अभी ये विचारधारा कहती क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें कि जो आपके पूंजीपति है, अगर जैसे कि व्यापार या कुछ हो रहा है तो उसमें जो है आपके सरकार जो होती है वो एक मतलब सिर्फ कानून या नियम बनाने तक ही सीमित होती हैं, और जो बाकी जितने भी कार्य होते हैं वो जो है पूंजीपति लोग ही करते हैं, यानी अमीर वर्ग जितने भी होते हैं वो ही उसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं और सरकार जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। आइए आपको बात समझ में मेरी कि पूंजीपति क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जब समाजवादी विचारधारा को हम समझते हैं, तो ये आपके जो रूस है और चीन जैसे जो बड़े देश हैं वो समाजवादी विचारधारा पर ही अपना जो है पूरा देश संचालित करते हैं। तो जब ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री की में भी आती है कि इसी समाजवादी विचारधारा के अनुसार जो है वो आपने जो है विकास कर पाए हैं, तो अब इस समाजवादी विचारधारा में है क्या, तो कार्ल मार्क्स द्वारा जब बताया गया कि जो पूंजीपति विचारधारा है इसके तहत तो मतलब अमीर वर्गों का ही भला होता है, तो उन्होंने समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया इसके तहत कि जितने भी जो है आपके कार्य वो सभी जो है सरकार ही करे, ताकि जो गरीबों का जो है मतलब फ़ायदा हो, और सारे जितने भी उत्पादन वितरण नियम जो है सारे जो है वो सरकार के हाथों ही क्रियान्वित हो। तो ये समाजवादी विचारधारा जो है उस समय से आती गई। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो समाजवादी जो इस यहाँ पर वर्ड प्रयुक्त किया गया है, ये आप जानते हैं कि जो भारत है वो लोकतांत्रिक जो है देश है, तो इसमें जो आपका जो भारतीय समाजवाद वो आपके लोकतांत्रिक जो समाजवाद है तो इसका मतलब क्या है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत ने जो है इकोनॉमिक जो है हमारी वो भारतीय अर्थव्यवस्था वो इन दोनों जो है विचारधाराओं पर आधारित नहीं है। उन्होंने इन दोनों का जो है मीडिएटर रूप को जो है चुना है, जिसे कहा है मिश्रित इकोनॉमी। तो जो भारत है उसने मिश्रित इकोनॉमी को अपनाया है। तो इसी प्रकार जब समाजवादी वर्ड का जो है हमारी प्रस्तावना में यूज़ किया गया है, परंतु जो हमारा भारतीय समाजवाद है वो आपके लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि जो भारत है वो आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही आस्था रखता है। वो किसी जो आपके चीन या रूस जैसी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं रखता, वो अपनी विचारधारा में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही रखता है। आशा करता हूँ आपको ये वर्ड भी जो है समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। तो ये वर्ड भी आपके वही 42वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 को हुआ था उसमें शामिल किया गया था। और इसका मतलब क्या होता है, तो ये धर्मनिरपेक्ष और आपके पंथ निरपेक्ष जो है ये दोनों जो है कीवर्ड सेम ही मीनिंग जो है दर्शाते हैं और दोनों लगभग सेम ही होते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि जो भारत है वो किसी भी जो है धर्म को नहीं मानता है, न ही ग्रहण करता है, या संविधान का जो है कोई भी जो है धर्म नहीं है। वह अपने जो है यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है और सभी धर्मों को जो है समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। ये बात आती है और इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है एक सहिष्णु जो है धार्मिक देश है, वो किसी भी जो है धर्म को मान्यता नहीं देता है। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट शब्दावली पर जो है आपके लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपको इसके लिए भी कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब भी आपको ये समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है।
तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो है प्राचीन भारत से हमें जो शासन की जो है तीन प्रणालियां जो है पता है, जिसमें आपके एक आता है राजतंत्र, और दूसरी प्रणाली है शासन करने की वो है गणतंत्र, और तीसरी है आपके शासन करने की प्रणाली वो है लोकतंत्र। तो आपको इन तीनों का जो है अर्थ समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो जब हम देखते हैं कि राजतंत्र, तो इसमें जो आपके राजा होता है आपके, वो एक अध्यक्ष होता है और वो उसका डायरेक्ट जो आपके जनता पर शासन करता है, वो किसी के भी माध्यम से कार्य नहीं करता है। उसमें आपके जो राजा होता है वो एक निरंकुश प्रवृत्ति की जो है भांति जो है कार्य करता है। इसमें जो है आपका ये राजा जो होते हैं वंशानुगत होते थे और उस पर जो है उनका चुनाव नहीं किया जाता था। अब आपके जो सेकंड टर्म आपको समझनी होगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें गणतंत्र के बारे में भी बहुत सुनने को मिलता है, परंतु हमारा जो है क्लियर नहीं है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि जब 26 जनवरी जो है 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे और हम एक गणतंत्र देश भी हैं, तो उसके बारे में भी हमें समझना होगा। तो जो गणतंत्र होता है इसका मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र जो है अगर किसी देश का जो है राष्ट्र प्रमुख या जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, तो अगर उनका जो है चुनाव अगर जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है किया जाता है, यानी कि जो आपका प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति, वो आपके अगर चुना जाता है, तो हम जो है उसको गणतंत्र कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपको हो सकता है कि कुछ समस्या आए सोचने और समझने में, तो आप इनको जो है ध्यानपूर्वक इनमें जो है डिफरेंस कीजिएगा। जब हम बात करते हैं आपके लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें आपके चुनाव होता है, परंतु इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है आपके जनता आपके प्रतिनिधि को जो है भेजती है। जैसे कि हम बात करते हैं जब राष्ट्रपति के हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, तो हम जो है अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं और संसद ही जो है राष्ट्रपति का चुनाव करती है। जब लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो है पीएम के जो है चुनाव होते हैं और जनता ही उनको जो है सीधे रूप से वहाँ चुनती है। तो आपको ये समझना होगा जिस प्रकार, तो हमारा जो है देश आपके लोकतंत्रात्मक जो है और गणराज्य दोनों हैं, इसलिए यहाँ इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। परंतु जब आप ब्रिटेन को देखेंगे, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है तो वो तो चुन लिया जाता है, परंतु जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे कि वहाँ मान लो उनका जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है। इसलिए जो आपके ब्रिटेन है वो लोकतंत्र तो है परंतु गणतंत्र नहीं है, यानी गणराज्य वो नहीं कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जितनी भी बताई गई शब्दावलियाँ हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ और कीवर्ड भी आए हुए हैं, जैसे कि न्याय और समता। तो हम बात करते हैं कि जो न्याय होता है वो क्या होता है। तो अगर किसी जो संविधान द्वारा जो है हमारे सभी को जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सभी प्रकार से समान न्याय जो है सभी को प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर न्याय का आशय इसी से है कि किसी से भी कोई प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान रूप से न्याय प्रदान किया जाएगा। अब एक और कीवर्ड आया है इसमें आपके कि समता। तो समता तो अत्यधिक बच्चे जानते होंगे कि समता का मतलब क्या होता है, कि जो आपके भारतीय संविधान है वो किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करेगा, ऊंच नीच या सभी जो है उसके सामने समान होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपके द्वारा बताई गई जो आज प्रस्तावना है वो अच्छे से आपने ध्यान रखी होगी और आपको सभी जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, जानकारी हो, तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो हैं उसमें आपको जो है आपके जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 395 और भाग फर्स्ट, तो एक एक करके वन बाय वन जो हम आगे आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें भी जो है मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो है हमारी जो संघ सरकार है वो कैसे काम करती है या कैसे प्रकार जो है संविधान कार्य करता है। आप सभी का जो है धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए YouTube PSC अड्डा के चैनल के साथ।